हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लोग जुमा के दिन नमाज पढ़े जाइए, पंचगाना तो पढ़ी है ना, जुमा के दिन जाइए और कुर्ता ना पहनी है, पैंट और शर्ट पहनी है, पैंट और शर्ट और जाएंगे और जब रुकू मैया जाइए तो शर्ट ऊपर खसक जाए, पैंट नीचे खसक जाए, पिछली दुकान खुल जाती है, और जब सजदम जाते हैं तो आधी दुकान खुलती है। अब बताओ पीछे जो नमाज पढ़े तो उनके क्या हाल हुई है? तुम्हारी नमाज तो चली ही गई। इस्लाम में 17 औरत जरूरी है, शर्मगाह का छुपना जरूरी है, शर्मगाह खुली की नमाज गई। आपकी नमाज तो चली ही गई और पीछे जिसने देखा उसकी भी दुनिया कहाँ बदल गई अल्लाह जाने। इसलिए नौजवानों जुमा का दिन आए तो बन समर के जाओ, कुर्ता पैजामा पहन के जाओ, क्योंकि तुम खुदा से मिलने जा रहे हो। बेशक सुभान अल्लाह। खुदा फरमाता खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद में बनाओ सवार करके जाओ। बहरहाल जुमा का दिन था, वो चला गया अपने काम करने, उके घर मस्जिद के बगले में रहा है, जिके घर में सब के नोट रखा रहा है। मौली साहब मस्जिद में तकरीर करने लगे, भाइयों अपने माल की जकात दो, 40 में एक सोमा ढाई, जो नहीं देगा वो माल अजदहा सांप की शक्ल में कब्र में आएगा, डसेगा। तो उकी तकरीर की आवाज़ उके घर में भी पहुंची, जिके घर में सब के नोट रखा रहा है, वो तो रहा है ना उके औरतिया रहा है, तो सोचिस कि आज सब के नोट हमरे घर में धरा है, जय हमू दे, नहीं तो कब्र में अजदहा हम काटी। कब्र की हालत बड़ी कठिन होती है। हमारे यहाँ मदरसे में कारी नकी साहब पढ़ाते हैं, बहुत बड़ा घर बना है, एक दिन अत्ता बड़ा सांप निकला तो बिटिया मार डाली, लेकिन फजी टेम कारी साहब उठे तो घर भर चिल्ला, हाँ वहाँ सांप पड़ा, सांप। तो कारी साहब कहे लागे मदरसा में कि हाँ हजरत, जब अत्ता बड़ा सांप मरा पड़ा तो हम घर भर दौड़े दौड़े घूमी, और कब्र मैया जब फिटरवाई फंड से मारी तब कहाँ भाग ले। बड़ी कठिन जगह है कब्र। उसने सोचा ला हम भी 1.5 रुपया दे आए, गई बक्सा खोली और कपड़ा में से सबके नोट निकाले, गए मस्जिद में कह लियो मुल भी 1.5 रुपया काट ले, मुल भी 1.5 रुपया काट ली, 97.5 लेके कपड़ा में बांध के रखती रखीस। शाम के जब कोई आदमी आवा तो आदत के मुताबिक बक्सा जुटा, बक्सा खोली तो कोई कपड़वा उठे तो खन्ने से अठन्नी नीचे गिरी, तो के जो खटका गए हाई लाई में फुटकुर कहाँ से आएगा, गिनीस तो देखी 97.5। तब औरतिया गोरे इसके सियाँ और यहीं कसके रे सब के नोट धरा रहा ढे का है गे रे, कहने रे मौलवी तकरीर करता रहा है मस्जिद में कि 40 में एक सोमा ढाई जक़ात ज़रूरी है, जो नदी का अजदहा कबर में काटी तो 2.5 रुपया जक़ात दे है, इस कम वक्त कहीं की जिंदगी में पहली दफ़ा सौ के नोट पावर आवा, हाथ उड़ाए डारे रहा जले के मौलवी से, तो कहते अलग नाम पर दे के तक मांगे जी, कहीं जा मांग लाओ नहीं तो हम घर छोड़ दे, कह रहा चाहे ना रहो लेकिन हम मांगे नहीं जी भी हुआ, कहीं ले आओ ले आओ, रे नहीं हम 2.5 रुपया खातिर अपन जान गंवाए दे भी, तो कहीं मर जाओ लेकिन हम मांगे नहीं जी भी, तो कहीं मरे जाई थे कहीं मर जा, बस घर से बाहर निकरा गिरा धमड़ा उसके, और जब गिरा तो हाथ पैर सब ढील गई थी, अब वो कहीं हाथ उठावे तो उठे छोड़े पे भद्र से गिर जाए, बहुत मक्कार रहा, पैर उठावे तो उठे छोड़े पे भद्र से गिरे, लोग जानी सही बात मरीगा, तो वो कहे दफनावे की तैयारी हो लग, वो कह नहुए नहाए भी लीस जहर बिल्टे वहरे बिल्ट जाए, कफन पहने बड़ा जालिम रहा, कफन पहनाए के जनादा जब लेके चले तब वो क्यों रतिया सोचे इसके हाय ला अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब भी मर जाए, जहाँ कबर में दबाई है तो मर जेबे करी, मर्द के मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने, वो जानी इसके अभी तक तो नहीं मरा लेकिन अब भी मर जाइए, तो रतिया दौड़ी कैसे भाइयों हमारे आदमी का जनादा है, ज़रा रख दो आखिरी बार है ज़रा हम कुछ बात कर ली, तो लोग हट गए, औरतिया गए के काने में कहा था कि उठ पर रे कबर तैयार है, बे दबाए थे अरे उठ चल घर कर रे उठ, तो कहते 2.5 रुपया ले ही है, कहीं सूखा तो ना ले, तो कहते भाग जा, औरतिया बेचारी चली गई, गए लोग उठे जनादा कब्रस्तान पहुँचे,
नमाज वमाज पढ़ के तक कबर में रखी बरंगा के लकड़ी जोड़ी मट्टी दे जात रहे तब तक औरतिया फिर घबरा भागी का है अल्लाह अब यू न बची अब मरिए तो फिर दौड़ी कहे भाइयों जरा थोड़ी देर रुक जाओ आखिरी बार है जरा हम अपने आदमी से कुछ बात कर ले तो लोग फिर हट गए औरतिया फिर कबर में उतरी और फिर कहते फिर कान में जाके कहते कि उठ रे उठ देख लकड़ी जोड़ दी ने पाड़ दे रे उठ चल घर का तो कहते ढाई रुपया ले आई है कहीं सुखा तो न ले तो कहते पाड़ दे बहुत जालिम रहे नहीं निकला जब नहीं निकला औरतिया बाहर है तो लोग पूछिन का हुआ कुछ बातचीत भय तो औरतिया कहे कि हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्से कि हम मर गए हैं कोई नेकी नहीं कह पावा है लिहाजा हमारे घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिए जब वो सुनी तब खड़भड़ाए के कूदा कहे सारे उठाई गिरी नम ढाई रुपया खाते जान गंवाए दिए थे और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रहे कम वक्त कहूँ के तो ऐसे ऐसे लोग पड़े अल्लाह फरमाता इन्ना करमा को मिंदल्लाही अतकाकुम बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में वही बेहतर है जो तुम में ज़्यादा परहेजगार हो परहेजगारी की ज़िंदगी अपनाने की कोशिश करो नेकियां हासिल करो क्योंकि अल्लाह ताला ने हमको आपको उम्मते मोहम्मदिया में पैदा किया है और उम्मते मोहम्मदिया का दर्जा बहुत बुलंद है। मेराज में जब जिब्रील ने साथ छोड़ा था तो सरकार ने फरमाया था जिब्रील कोई ज़रूरत हो तो बता दो तो जिब्रील ने कहा था अल्लाह के रसूल एक ज़रूरत है कहा क्या कहा कल क़यामत के दिन पुल सिरात के ऊपर से जब आपकी उम्मत गुजरे तो अल्लाह ताला मुझे आपकी उम्मत के पैरों के नीचे पर बिछाने की इजाज़त दे दे कि हमने पर बिछा दूँ उस पर पे आपकी उम्मत गुजर जाए। कितने पर हैं जिब्रील के? एक पर की चौड़ाई लंबाई जैसे ज़मीन और आसमान की दूरी इतने चौड़े पर लंबे पर और इस तरह 26,000 पर अल्लाह ने जिब्रील को अता किया है। आजकल कौवा उड़ता है तो उसके दो पर मुर्गा के दो पर और जिब्रील के 26,000 पर और एक पर की लंबाई चौड़ाई बता दिया आपको तो हमारे आपके पैर के नीचे जिब्रील ने अपने परों के बिछाने की तमन्ना की है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं पुल से उतारो राहे गुजर को खबर न हो पुल से उतारो राहे गुजर को खबर न हो जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो ओ कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। ए लोगो अल्लाह ने हमारा तुम्हारा मर्तबा इतना बुलंद किया है कि हमारे तुम्हारे पैर के नीचे जिब्रील जो फरिश्तों के सरदार हैं रसूल हैं उन्होंने हमारे आपके पैरों के नीचे पर बिछाने की तमन्ना की है। अब सोचो ज़रा अपने कदमों को सोचो कि हमारे कदम कहाँ जा रहे हैं ये सोच करके कोशिश करो कि हमारे कदम उठें तो मस्जिद की तरफ उठें हमारे कदम उठें
तो माँ बाप की खिदमत के लिए उठें, दूसरे की मदद के लिए उठें, हमारे कदम नाच गाना की तरफ न उठें। बेशक हमारे कदम शराब खाने की तरफ न जाएं, हमारे कदम उठें तो अल्लाह की इताअत में उठें। अपने कदमों को उठाते वक्त सोचो कि हमारे कदम कहाँ जा रहे हैं। हदीस पाक में बताया गया, वफदुल्लाह सलास, अल्लाह के मेहमान तीन लोग हैं। नंबर एक पर फरमाया अल हाज, हज करने वाला हाजी खुदा का मेहमान। वल मोतमिरु, और उम्रा करने वाला भी खुदा का मेहमान है। वल जिहाद, वल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला भी खुदा का मेहमान है। अब जिहाद करने वाला है कौन? मुजाहिद किसे कहते हैं? तो उसकी भी तारीफ मेरे नबी ने फरमाया, इस बागुल वजू अलल मुकारी, सख्त तकलीफ के वक्त मुकम्मल वजू बनाना। बेशक जब पानी छूने का दिल न चाहे ठंडक में, मुकम्मल वजू बनाना। कुछ लोग तो ठंडक में वजू बनाते हैं तो पानी ऐसे लेकर के फिर ऐसे करते हैं, लगता है तेल लगाओ थे। तेल नहीं, वो धुलना नहीं पाया जाएगा। धुलना जब पाया जाएगा, जब चेहरे से पानी बहे। इस बागुल वजू अलल मुकारी, सख्त तकलीफ के वक्त मुकम्मल वजू बनाना। वकसरतुल खुता इलल मसाजिद, और मस्जिदों की तरफ ज्यादा कदमों से जाना। बेशक सुभान अल्लाह। मस्जिद से घर दूर हो तब भी आओ। मदीने मुनव्वरा में कबीला था बनू सलमा का, मस्जिद नबवी से काफी दूर था, तो लोग अपना घर बेचकर मदीने की मस्जिद नबवी के करीब घर बनाने का इरादा किया कि हम लोगों के घर दूर हैं। जब घरों को बेचने का इरादा किया और मस्जिद नबवी के करीब आने का इरादा किया, अल्लाह के रसूल को पता चला तो सरकार ने फरमाया, ऐ बनू सलमा वालो, घर न मुंतकी करो, जाओ वहीं रहो। कसरतुल खुता इलल मसाजिद, मस्जिदों की तरफ ज़्यादा कदमों से जाना। व इंतज़ारु सलाति बादस सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। जुहर पढ़ के जाए तो असर के इंतज़ार, असर का पढ़ के जाए तो मगरिब का इंतज़ार। इस तरीके से जो नमाजों में इंतज़ार करेगा एक दूसरे का, तो हुज़ूर फरमाते हैं फ़ज़ालिकुम रिबात, ऐ लोगों यही तुम लोगों का जिहाद है। तो आज भी जिहाद, हाजी खुदा का मेहमान, उम्रा करने वाला खुदा का मेहमान, और मुजाहिद, ये तीन काम करने वाले, वजू बनाना तकलीफ में, मस्जिदों की तरफ जाना, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना, ये तीन काम करने वाले को अल्लाह के रसूल ने मुजाहिद बताया। बेशक सुभान अल्लाह। और मुजाहिद खुदा का मेहमान है। ऐ लोगो, कोशिश करो कि अल्लाह के मेहमान बन जाओ। बेशक मस्जिद देखकर बड़ी तबीयत खुश हुई। मस्जिद का गेट, मीनारे देख के बहुत तबीयत खुश हुई। एक कमी रह गई कि उसमें अभी गेट नहीं लगा, दरवाज़ा नहीं लगा। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे कारी इकबाल साहब बता रहे हैं आज ही बात हुई है और एक हफ्ते में लग जाएगा। सुभानअल्लाह। ये आप लोगों के नसीब की बात है, कोई भी बाहर का आएगा देखेगा तो आपके बारे में अच्छा असर लेके जाएगा कि बड़े बादौक लोग हैं, खुश नसीब हैं वो लोग जिनका पैसा अल्लाह की राह में लग जाए। बेशक सुभान अल्लाह। हदीस पाक में है, यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है, यानी देने वाला हाथ लेने वाले से बेहतर होता है। बेशक सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह की राह में दो,
हदीस पाक में अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया, मसलुल्लज़ीना युन्फिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाह, उन लोगों के मिसाल जो लोग अपने माल को अल्लाह की राह में देते हैं, का मसल हब्बा उस दाना की तरह है, हम बता तो सबा सनाबिला, जो दाना जमीन में जाने के बाद सात बालियों को लेके निकलता है, फी कुल सुंबोलती मियत हब्बा, हर हर दाने के अंदर, हर हर बाली के अंदर सौ सौ दाना होते हैं। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे एक दाना जमीन में जाने के बाद सात सौ बालियों को लेके ऊपर आता है, ऐसे अल्लाह की राह में देने वाले को अल्लाह ताला एक के बदले में सात सौ का अज्र अता फरमाता है। बेशक। हजरत अली बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे। कई दिन फाका हुआ घर में, तो एक दिन हजरत फातिमा जहरा ने एक फरमाया कि अल्लाह के शेर, गरीबी के दिन बड़े कठिन हो गए, बच्चे फाका कर रहे हैं, ले जाओ मेरा दुपट्टा मदीने की बाजार में बेच दो और बेच कर कुछ खाना ले आओ। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु गए मदीने की बाजार में, बेचा और बेचने के बाद गल्ला लेने की तरफ बढ़े कि रास्ते में एक फकीर मिल गया, कहा अल्लाह के शेर में भूखा हूँ, मेरी मदद कर दो। तो हजरत अली शेर खुदा ने वही पैसा उठा के फकीर को दे दिया, दस दिरहम का बिका था, दे दिया। अब खाली हाथ घर की तरफ चले, इतने में एक नूरानी चेहरे वाले, उनके हाथ में सुर्ख रंग की एक ऊँटनी की लगाम, हजरत अली से मिले, कहा अली ऊँटनी खरीदोगे? कहा जाए यार यहाँ घरे खाना नहीं, तुम कहा तो ऊँटनी खरीदोगे? अरे ले लो यार, इतनी अच्छी ऊँटनी कहाँ ले लेता, लेकिन होना तो चाहिए। उसने कहा ले लो, उधार ही ले लो, होगा तो देना, ना होगा तो ना देना, लेकिन ले लो। कहा कितने में? तो रवायतों में आता है कि 60 दिरहम में उसने कहा। हजरत अली शेर ने खुदा ने कहा ठीक है। उसने ऊँटनी की लगाम पकड़ा दिया। अब उसकी लगाम पकड़कर हजरत अली घर के तरफ चले और सोच रहे हैं कि आया था गल्ला लेने और ऊँटनी लेके जा रहा हूँ, फातिमा क्या कहेंगी। लेकिन कुछ ही कदम बढ़े थे कि एक नूरानी चेहरे वाले आए और उन्होंने कहा अली ऊँटनी बेचोगे? कहाँ बेचेंगे? कहा कितने में? तो कहा जो कीमत दे दो। कहा 300 दिरहम में आपकी ऊँटनी खरीदूंगा। हजरत अली खुश हो गए, फौरन लगाम पकड़ा दिया और 300 दिरहम ले लिया। सोचा 10 दिया था खुदा की राह में तो 300 मिले, और उसके बाद सोचा कि लाओ चले जाएं, पहले उसको तलाश कर लें जिसके हाथ मैंने ऊँटनी उधार खरीदी है, उसको दे दें। तलाश करने लगे तो मदीने मुनव्वरा में बहुत तलाश किया, वो बेचने वाले मिले नहीं। तो गल्ला लेके घर गए, फिर हुजूर के पास गए। कहा हुजूर ऐसा ऐसा हुआ, मैंने सोचा कि लाओ जिसने उधार दिया है उसका पैसा दे दूं, लेकिन उसको मदीने में मैंने बहुत तलाश किया, मिला ही नहीं। सरकार फरमाते हैं अगर कोई दुनिया का आदमी होता बेचने खरीदने वाला तो तुमको मिल जाता। वो ऊँटनी बेचने वाले जिब्रील हैं और खरीदने वाले मीकाईल हैं। वाह वाह वाह, अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारी मदद हुई। दिया था 10 दिरहम खुदा की राह में, तो अल्लाह ताला ने 10 के बदले में कितना दे दिया। ऐ लोगों दो, लेकिन आज हम लोगों के दिल ऐसे हो गए कि रुपया न जाए, जान चाहे भले ही चली जाए। जैसे कि बताते एक आदमी रहा है, रुपया कमाए कमाए बटोरिस, और जब सही घर होएगा तो लेगा वह बनिया की दुकान पर, कहे भैया ये फुटकुर रख लो, नंबर ही दे दो। तो दई दी 100 के नोट नंबर ही। बहुत पहले एक बात है, जब 100 का नोट पाया तो बड़ा खुशुका फैलाए फैलाए के देखे,
कहला हमका सबके नोट दे दी, लेके आवा कपड़ा में यह बांध के और बक्सा में यह रख दी। रात में खुशी के मारे हो कि नींद नहीं आवे कि अल्लाह हमका सबके नोट दे दी। सुबह हुई तो फिर बक्सा खोला, कपड़ा उठाया, उसमें से सबका नोट निकाला और देखा वोखा, उसके बाद फिर बांध के रख दिया, चला गया। शाम को जब लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर बक्सा खोल के देखे, ऐसा लागे कि मालूम बक्सा मदार बंद की है। सुबह देखे शाम देखे, बहुत मगन में रहा है कि हमारे घर में सबके नोट धरा है। इत्तेफाक से जुमा का दिन रहा है तो उसका जुमा से काम, मतलब जुमो के दिन काम करे चला गया। आज भी कुछ बदनसीब ऐसे हैं जो जुमे का भी एहतमाम नहीं करते। जुमा को अल्लाह के रसूल ने हफ्ते की ईद बताया है, साल की ईद तो रमजान के बाद पहली शव्वाल को होती है, लेकिन हफ्ते की ईद हर जुमा को। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो हमारे गरीब उम्मती हैं, हज नहीं कर सकते, वो जब नमाज जुमा एहतमाम करके पढ़ने जाते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें हज का सवाब अता फरमाता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुमा के दिन एहतमाम करो और सज के जाओ। अल्लाह कुरान में फरमाता, खुजो ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद के में बनाओ संवार करके जाओ। जब भी मस्जिद में जाओ तो बन संवर के जाओ। क्यों? तुम मस्जिद में जाते हो खुदा से मिलने के लिए। बेशक खुदा आपका हकीकी दोस्त है। जैसे दुनिया में अब हमने दोस्त के पास जाते मिलने तो बन संवर के जाते, वो तो दुनियावी दोस्त है और वो खुदा हमसे तुमसे माँ बाप से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। बेशक सुभान अल्लाह। जब मस्जिद में जाए तो बन संवर के जाए। लेकिन आज देखा जाता है नौजवान लोग जुमा के दिन नमाज पढ़े जी हैं, पंचगाना तो पढ़ी है ना जुमा के दिन जाइए, और कुर्ता ना पहनी है, पैंट और शर्ट पहनी है, पैंट और शर्ट, और जाएंगे और जब रुकू मैया जाइए तो शर्ट ऊपर खसक जाए, पैंट नीचे खसक जाए, पिछली दुकान खुल जाती है, और जब सजदम जाते हैं तो आधी दुकान खुलती है। अब बताओ पीछे जब नमाज पढ़े तो उनके क्या हाल हुई है? तुम्हारी नमाज तो चली ही गई। इस्लाम में सतरे औरत जरूरी है, बेशक शर्मगाह का छुपना जरूरी है। शर्मगाह खुली की नमाज गई, आपकी नमाज तो चली ही गई, और पीछे जिसने देखा उसकी भी दुनिया कहाँ बदल गई अल्लाह जाने। इसलिए नौजवानों जुमा का दिन आए तो बन संवर के जाओ, कुर्ता पैजामा पहन के जाओ, क्योंकि तुम खुदा से मिलने जा रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। खुदा फरमाता, खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद में बनाओ संवार करके जाओ। बहरहाल जुमा का दिन था, वो चला गया अपने काम करने, उके घर मस्जिद के बगले में रहा है, जिके घर में सब के नोट रखा रहा है। मौली साहब मस्जिद में तकरीर कर रहा कि भाइयों अपने माल की जक़ात दो, 40 में एक सोमा ढाई, जो नहीं देगा वो माल अजदहा सांप की शक्ल में कब्र में आएगा, डसेगा। तो उसकी तकरीर की आवाज़ उसके घर में भी पहुंची, जिसके घर में सब के नोट रखा रहा है, वो तो रहा है ना उसके औरतिया रहा है, तो सोचिस कि आज सब के नोट हमारे घर में धरा है, जय हमू दे, नहीं तो कब्र में अजदहा हम काटी। कब्र की हालत बड़ी कठिन होती है। हमारे यहाँ मदरसे में कारी नकी साहब पढ़ाते हैं, बहुत बड़ा घर बना है। एक दिन अत्ता बड़ा सांप निकला तो बिटिया मार डाली, लेकिन फजी टेम कारी साहब उठे तो घर भर चिल्ला, हाँ वहाँ सांप पड़ा, सांप। तो कारी साहब कहे लागे मदरसा में कि हाँ हजरत, जब अत्ता बड़ा सांप मरा पड़ा तो हम घर भर दौड़े दौड़े घूमी, और कब्र मैया जब फिटरवाई फंड से मारी तब कहाँ भाग ले। बड़ी कठिन जगह है कब्र। उसने सोचा ला हम भी ढेर रुपया दे आए, गई बक्सा खोल ली और कपड़ा में से सबके नोट निकाले, गए मस्जिद में कह लियो मुल भी ढेर रुपया काट ले, मुल भी ढेर रुपया काट ली, 97.5 लेके कपड़ा में बांध के रखती रखीस। शाम के जब कोई आदमी आवा तो आदत के मुताबिक बक्सा जुटा, बक्सा खोली तो कोई कपड़वा उठे तो खन्ने से अठन्नी नीचे गिरी,
तो के जो खटका गए हाईलाइन में फुटकुर कहाँ से आएगा। गिनीस तो देखे 97.5 तब औरतिया गोरे इसके सिया और यहीं कसके रे सौ के नोट धरा रहा ढे कहाँ है गिरे। कहने रे मौलवी तकरीर करता रहा है मस्जिद में कि 40 में एक 100 में ढे जकात जरूरी है, जो नदी का अजदहा कबर में काटी तो 2.5 रुपया जकात दे। इस कम वक्त कहीं की जिंदगी में पहली दफा सौ के नोट पावर आवा हाथों राय डारे रहा जले क्या मौलवी से। तो कहते अलग नाम पर दे के अंत के मांगे जी कहीं जा मांग लाओ नहीं तो हम घर छोड़ दे। कह रहा चाहे ना रहो लेकिन हम मांगे नहीं जी भी हुआ। कहीं लया लया रे नहीं हम 2.5 रुपया खातिर अपन जान गंवाए दे भी। तो कहीं मर जाओ लेकिन हम मांगे नहीं जी भी। तो कहीं मरे जाए थे कहीं मर जा बस घर से बाहर निकरा गिरा धमड़ा उसके और जब गिरा तो हाथ पैर सब ढील गई थी। अब वो कहीं हाथ उठावे तो उठे छोड़े पे भद्द से गिर जाए बहुत मक्कार रहे। पैर उठावे तो उठे छोड़े पे भद्द से गिरे लोग जाने सही बात मरीगा। तो वो कहे दफनावे की तैयारी हो लग वो कह नहाए नहाए भी लीस जहर बिल्टे वहरे बिल्टी जाए कफन पहने बड़ा जालिम रहे। कफन पहनाए के जनादा जब लेके चले तब के औरतिया सोचे इसके हाल अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब भी मर जी जहाँ कबर में दबई है तो मर जेबे करी। मर्द के मक्कारी औरत जाने औरत के मक्कारी मर्द जाने वो जाने इसके अभी तक तो नहीं मरा लेकिन अब भी मर जाइए। तो औरतिया दौड़ी कैसे भाइयों हमारे आदमी का जनादा है ज़रा रख दो आखिरी बार है ज़रा हम कुछ बात कर ली। तो लोग हट गए औरतिया के उनके काने में कहा था कि उठ पर रे कबर तैयार है पे दबाए थे अरे उठ चल घर का रे उठ। तो कहते 2.5 रुपया ले ही है कहीं सूखा तो ना ले। तो कहते भाग जा औरतिया बेचारी चली आई। गए लोग उठें जनादा कब्रस्तान पहुँचे नमाज वमाज पढ़ के तक कबर में रखें बरंगा के लकड़ी जोड़ी मट्टी दे जात रहे हैं तब तक औरतिया फिर घबरा के भागी कहे अल्लाह अब यू न बेची अब मरिए। तो फिर दौड़ी कहे भाइयों जरा थोड़ी देर रुक जाओ आखिरी बार है जरा हम अपने आदमी से कुछ बात कर ले। तो लोग फिर हट गए औरतिया फिर कबर में उतरी और फिर कहते फिर कान में जाके कहते कि उठ रे उठ देख लकड़ी जोड़ दी नबे पाड़ दे रे उठ चल घर का। तो कहते 2.5 रुपया ले ही है कहीं सूखा तो न ले। तो कहते पाड़ दे बहुत जालिम रहे नहीं निकला। जब नहीं निकला औरतिया बाहर है तो लोग पूछिन का हुआ कुछ बातचीत भय। तो औरतिया कहे कि हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्से कि हम मर गए हैं कोई नेकी नहीं कह पावा है लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिए। जब वो सुनी तब खड़भड़ा के कूदा कहे सारे उठे गिरी नम 2.5 रुपया खाते जान गंवाए दिए थे और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रहे कम वक्त कहूँ के बताओ। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं ऐ लोगो खुश नसीब हो इंसान जिसका पैसा अल्लाह के घर में लग जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हदीस पाक में इमाम बना लिल्लाहि मस्जिदा जिसने अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद बनाया बन अल्लाहु लहु मिस्लुहु बैतन फिल जन्ना अल्लाह उसी की तरह जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। उसी तरह बताते हैं एक बादशाह था उसने जब सुना कि जो जैसी मस्जिद बनाएगा वैसे ही अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा तो बादशाह ने ऐलान कराया कि एक मस्जिद बनाई जाए जिसमें किसी का पैसा नहीं लगेगा मेरा ही पैसा लगेगा ताकि उस तरह जन्नत में अल्लाह मेरा घर बना दे। बादशाह का ऐलान हुआ मस्जिद बनने लगी तो उसी बस्ती में एक लकड़हारा था जंगल से लकड़ी ला ला के बेच के जिंदगी गुजारा करता था। उसने देखा तो सोचा कि बादशाह है अकेले मस्जिद बनवा रहा है बना लेगा मैं गरीब आदमी हूँ मैं तो कभी जिंदगी में तनहा बना नहीं सकता अल्लाह मेरे लिए जन्नत में मकान कैसे बनाएगा। और मना कर दिया था बादशाह ने कि कोई इसमें ईंट लगा नहीं सकता मेरे पैसे ही से बनेगी। तो बेचारा लकड़हारा गया जंगल से लकड़ी लिया बोझ
और फिर भट्ठे पे गया, तीन ईंटें खरीदी और लकड़ियों के बोझ के अंदर ईंटों को रख करके इधर उधर से लकड़ी लगा के वो बोझ बांधा और सर पे रखा और उस मस्जिद की तरफ पहुंचा जहां बादशाह की मस्जिद बन रही थी। लकड़ियों का बोझ लेके पहुंचा जहां ईंट के चट्टे लगे थे, वहीं जाके गिर गया। गिरा, बंधन टूटे, लकड़ियां बिखरी, ईंट बाहर हुई, ईंट में ईंट मिल गई और देखने वाले मजदूर वो दौड़े, उसको उठाने लगे। अरे भाई तुमको चोट तो नहीं लगी? अरे मेरे भाई चोट तो नहीं लग गई? सब उसी को संभालने लगे। उसके लकड़ी और ईंट की तरफ किसी ने निगाह नहीं डाला। उसके बोझ में जो ईंटें थी उन्हीं ईंटों में मिल गई। लकड़हारा उठा, कहा नहीं नहीं चोट नहीं लगी। फिर अपनी लकड़ियों को बांधा और चला आया। उसकी ईंटें उसी ईंट में शामिल हो गई। जब मस्जिद बन के तैयार हुई, उसमें नमाज अदा हुई, तो रात में बादशाह ने ख्वाब देखा कि मैदान महशर है, जन्नत भी है जहन्नम भी है। जन्नत में बेहतरीन बेहतरीन महल बने हैं, दो महल आमने सामने बने हैं, एक पे बादशाह का नाम लिखा है और एक पे उस लकड़हारे का नाम लिखा है। बादशाह ने कहा कि मैंने तो मस्जिद बनाई थी जिसके वजह से मेरे लिए जन्नत में घर बना, मेरे बस्ती के लकड़हारे ने क्या किया जो उसके लिए मेरी ही जैसे महल बन गया। तो फरिश्ते ने आवाज दिया कि ए बादशाह, तेरी मस्जिद जब बन रही थी तो तेरे बस्ती के लकड़हारे की दो तीन ईंटें उसमें शामिल हो गईं। अल्लाह उन्हीं ईंटों की बदौलत उसे भी तेरी ही तरह महल अता फरमा दिया। सुभानअल्लाह, पता चला कि कोई ये ना सोचे कि हम मस्जिद में थोड़ा पैसा देंगे तो हमारे लिए मस्जिद की तरह जन्नत में महल कैसे बनेगा। अल्लाह बड़ा कादर मुतलक है। इसलिए लोगों, मस्जिद का गेट है उसमें भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा दो। और माशाल्लाह आपका मदरसा भी पुख्ता बना हुआ है, लेकिन अभी उसमें बहुत ज़रूरत है। अल्लाह ने दिया है तो उसमें दो। मस्जिद और मदरसा ये दोनों इस्लाम की बुनियाद हैं, मुसलमानों की पहचान है। बेशक, जिस बस्ती से गुजर जाओ अगर मस्जिद का मीनारा दिखाई पड़ता है तो जहन में आता है कि हकीकत में यहाँ कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, यहाँ मुसलमान हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं। इसलिए लोगों, ये शायरे इस्लाम हैं, इस्लाम की निशानियां हैं, मस्जिद भी मदरसे भी। इसलिए दोनों की तामीर में अल्लाह ने दिया है तो बढ़ चढ़ करके हिस्सा दिया करो। और अब तो तादाद घट गई। हमारे हाफिज़ तौसीफ साहब बेचारे बड़े हौसला मंद हैं, उन्होंने कहा था हजरत ज़रा समझा देना ताकि काम जिस तरह होना चाहिए उससे बेहतर हो जाए। इसलिए लोगों, चार दिन की ज़िंदगी है, खुदा जाने कि इस वक्त बुलावा आ जाए। ये चार चीज़ें जो हमारे इस्लाम की बुनियाद है, नमाज, रोज़ा, हज, जो ज़कात, तो इनकी तरफ ध्यान दो। अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह की राह में ज़रूर दो, और अल्लाह दे तो अपनी मेहनत की कमाई जहाँ मस्जिद मदरसे में देते हो अपने माँ बाप पर खर्च करो। हदीस पाक में आया, सरकार फरमाते हैं लोगों, तुम्हारी औलादें तुम्हारी बेहतरीन कमाई है, अपने औलाद की कमाई खाया करो, इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हारी बेहतरीन कमाई औलाद को बताया है। इसलिए लोगों, अगर माँ बाप जिंदा हैं और तुम्हारी रोज़ी में अल्लाह बरकत दे रहा है तो अपने माँ बाप को खिलाओ ज़रूर, और खिलाने से बचे तो मस्जिद में भी दो, मदरसे में भी दो। बेशक, सुभानअल्लाह, माँ बाप का बड़ा हक बनता है। एक रवायत में है कि बाप लेटा था, बाप ने अपने लड़के से पानी मांगा, लड़का पानी उठाया ही था कि माँ पुकार उठी, बेटा पानी चाहिए। अब लड़का सोचने लगा कि बाप ने पहले पानी मांगा है,
अम्मा ने बाद में मांगा है किसको पानी दूं पहले। फिर बच्चे ने सोचा कि माँ का दर्जा ज्यादा बुलंद है। माँ के तीन हक होते हैं बच्चे पर, बाप का एक हक होता है। माँ के तीन हक, 9 महीना तक माँ पेट में बच्चे को रखती है। दूसरा हक, 2 साल तक सीने का दूध पिलाती है। तीसरा हक, बच्चे को पालती है। अब्बा का एक हक, वो भी क्या, बच्चे का पालना। पालने में अब्बा भी शरीक हैं, लेकिन अब्बा कौन मेरे शरीक हैं आप लोग जाना तो ये दिन भर एक बात आई है शाम के लड़को को उठाई है बड़ी मोहब्बत से कहें हुलू करिए और जहाँ बुल्ल से नाक निकली वो कहें पकड़ ही करे ले जाइए का उठाओ लेके जाओ। फिर वही माँ बिचारी आती है दुपट्टे से नाक साफ करती है। तो माँ के बड़े एहसानात हैं। बच्चे ने सोचा कि बाप ने पहले मांगा, माँ ने बाद में मांगा, किसको दूँ, माँ के एहसान ज़्यादा हैं। तो बच्चा गिलास का पानी माँ के पास लेके गया, माँ को पकड़ाया, माँ ने पकड़ा तो माँ कहती है कि बच्चे पर मेरे एहसानात ज़्यादा थे इसलिए बच्चे ने मुझे पहले पकड़ाया है, लेकिन ऐ मेरे प्यारे शौहर मेरे ऊपर तुम्हारा हक ज़्यादा है। तुम मेरे शौहर हो, तुम्हारे मरातिब हम पर अल्लाह ने बहुत बुलंद किया है, इसलिए पानी पहले तुम पियो। तो बीवी ने अपने शौहर को पानी पिलाया। बेशक अब यहाँ पर गौर करो, हमारी माँ बहनें बैठी हैं कि शौहर का हक कितना होता है। प्यासी थी, औलाद ने पानी माँ को दिया, लेकिन माँ ने खुद नहीं पिया, पहले बच्चे के बाप को पिलाया। इसलिए कि शौहरों के हुकूक औरतों पर बहुत हैं, और बच्चे ने माँ बाप का हक जाहिर कर दिया कि माँ बाप को पहले खिलाओ, बचे तब अल्लाह के नाम पर सदका खैरात करो। बचे माँ बाप से तो पीर को भी खिलाओ, लेकिन आज देखा जाता है पीर को सबसे पहले। याद रखो मारहरा शरीफ में जहाँ से आला हजरत मुरीद हैं, एक बात सुन लो, आज लोग कहते हैं कि सैयदों ही से मुरीद होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यही होता तो मारहरा शरीफ के हुजूर नजीब हैदर मियां सैयद हैं और मुरीद हुए बरेली में मुफ्ती आजम से जो पठान है। गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन संजरी सैयद और मुरीद किससे हुए, उस्मान हारूनी से, जो उस्मान हारूनी सैयद नहीं है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि सैयद ही हो, जो सुन्नी सहीउल अकीदा हो, परहेजगार हो, आलिम हो और सिलसिले सनद उसकी पहुंचती हो हुजूर तक, वो पीर के लायक है। इसलिए ऐ लोगों, अल्लाह आपकी कमाई में दे तो माँ बाप को खिलाने के बाद अल्लाह दे तो मस्जिद में खर्च करो, मदरसे पे खर्च करो और मस्जिदों को जीनत दो, और मस्जिद में जाओ तो बन संवर के जाओ। इसलिए आज देखा जाता है बहुत से लोग मस्जिद में पहुंच जाएंगे, वजू बनाएंगे और दाढ़ी से पानी टपक रहा, चेहरे से पानी टपक रहा और जा करके नियत बांध लेंगे, ये मस्जिद की भी हुर्मती है। वजू करने के बाद कपड़े से मुंह पोंछ लो, हाथ पोंछ लो, तब मस्जिद में कदम रखो ताकि तुम्हारे वजू का कोई कतरा मस्जिद की चटाई पर न गिरे। क्यों, मस्जिद का एहतराम बहुत ज़रूरी है, लेकिन अल्लाह जाने कुछ लोग ऐसे हैं जो मस्जिद ही में खाते भी हैं, मस्जिद ही में सोते भी हैं। हमरे यहाँ गांव में जमात गए तो हम लोग जमात का मस्जिद से भगावे लागे, तो कहें कहा है, तो हम लोगों ने कहा इबादत की जगह लेटने की जगह नहीं है, हवा खोलने की जगह। तो कहीं जो जमात में निकलते हैं तो जब हवा खोलते हैं तो फरिश्ते मुँह में लेके बाहर जाके छोड़ते, माद अल्लाह। हमने कहा बताओ बताओ, इनके मुँह में फरिश्तों का मुँह, अल्लाह ताला ने उनको नूरी बनाया है, और कितने गुस्ताख है कहा था उनके, हवा मुँह में भर के देखे मतलब चुतरे मुँह लगावत हुए, माद अल्लाह कितने बड़े गुस्ताख हैं।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिर्मिजी शरीफ में बताया, ला तत्तखिदुल मसाजिद बैतं वला मकीला। सरकार फरमाते हैं लोगों, मस्जिदों को घर न बनाओ और कैलूला की जगह न बनाओ। बेशक सुभान अल्लाह। घर न बनाओ, जैसे घर में आदमी घरेलू काम करता है वो काम मस्जिद में न करो। वला मकीला, और कैलूला की जगह न बनाओ। कैलूला मतलब एक है।